सबसे पहले ये देखते हैं कि गुप्त काल के शासकों का राजकीय धर्म कैसा था, वैष्णव था। वहां के लोग किस धर्म को मानते थे? देखो, राजकीय धर्म मतलब कि राज्य का धर्म था, ध्यान देना। उस समय के राज्य कोई सेकुलर राज्य नहीं था कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो, जैसे अभी के हिसाब से क्या बोलते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, जबकि उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या, उस समय पुराने जितने भी समय थे सब में राज्य का अपना कोई ना कोई धर्म होता था। तो उस समय राज्य का गुप्त शासकों राजकीय धर्म कौन सा था? वैष्णव धर्म था। लोग विष्णु की उपासना करते थे। हम लोग जब चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जब पढ़ रहे थे हम लोग क्या देखे थे, उस समय चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में क्या देखते थे कि ये जो जो चंडाल का जो कंसेप्ट आया था, चंडाल किसको कहते थे? जो कि मांस मछली लहसुन वगैरह ये सब चीज़ जो खाते थे। फायान ऐसा बोला था ना, फायान ने ऐसा बोला ना, चंडाल का कंसेप्ट आया था, जो कि जो मांस मछली मदिरा लहसुन प्याज जो खाता उसको क्या बोलते हैं? चंडाल। तो सोच लो कि वैसा व्यक्ति जो उसमें मांस मछली लहसुन प्याज तक नहीं खाता था, तो निश्चित रूप से वो किसको फॉलो कर रहे थे? वैष्णव। आज भी वैष्णव जो कहते हैं कि शुद्धा कहते हैं शुद्ध वैष्णव है। वैष्णव का मतलब क्या? वो मांस मछली और लहसुन प्याज भी कुछ भी नहीं खाता हो, ठीक है। लेकिन ध्यान देना कि राजकीय धर्म बिल्कुल वैष्णव था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो दूसरे धर्म को नहीं मानते थे। मतलब दूसरे धर्म को मानने वाले भी लोग थे और उनको भी वो उनके प्रति भी वो सहिष्णु थे। समूह सहिष्णु का मतलब क्या? दूसरे धर्म से राज्य को कोई दिक्कत नहीं था। कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, उससे राज्य को कभी प्रॉब्लम नहीं रहा। जिनको जो धर्म मानना है अपना आराम से मानो। उसके बाद देखते हैं कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त का जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग बताए थे कि वहाँ पे वो अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और ये चीज़ अश्वमेध यज्ञ किसके लिए था? वो देवताओं के लिए था। और ये चीज़ जो अश्वमेध यज्ञ का जो जो चित्र है वो कहाँ पर दिखता है? सिक्कों पर था। अच्छा, वैष्णव धर्म के अनुसार जो उस समय के जो राजा जो शासक होते थे वो किस कौन सी उपाधि ग्रहण करते थे? परम भागवत। क्या बोलते थे? परम भागवत एक उपाधि था जो उस समय के शासक लोग जो है इस उपाधि को वो धारण करते थे। उनके सिक्कों पर देखते हैं गरुड़ की आकृति भी था। हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में जो गरुड़ की आकृति वगैरह दिखता है उनके सिक्कों पर। सबसे विख्यात मंदिर क्या है वैष्णव धर्म का? अगर सबसे विख्यात मंदिर अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? दशावतार मंदिर, जो हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एक जगह है जो करमदंडा है, जो फैजाबाद में पड़ता है, ठीक है, करमदंडा का मंदिर, ठीक है। उस करमदंडा का जो मंदिर है वहाँ पे, जो फैजाबाद यूपी में, वहाँ पर देखते हैं चतुर्मुखी शिवलिंग है। मतलब शिव जो मतलब कि चार तरह का जो मुंह है उनका चतुर्मुखी शिवलिंग का जो है वहाँ पे दिखता है, वहाँ पे मंदिर है। उसके बाद जो खोह का मंदिर है वो कहाँ पर है? नागौद में है। और ये जो मंदिर है वो कैसा मंदिर है? एक मुखी शिवलिंग, यानी कि एक मुख का शिव है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है? शिव के चार मुख दिया हुआ है। तो थोड़ा ये अलग खास बात है। तुम देख रहे हो ज़्यादातर जगह पे शिव शिव ही आता है, यानी कि लोग कहीं ना कहीं शिव को ज़्यादा मानते थे, है ना। शिव के प्रति जो लोगों का नज़रिया जो था वो बड़ा ही ज़बरदस्त था। अब देखो जूनागढ़ का अभिलेख, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, गिरनार अभिलेख जिसको कहते हैं, जो कि रुद्रदामन सुदर्शन झील पहले भी पढ़ चुके हैं। ये स्कंद गुप्त ने इसमें बनवाया था। क्या लिखवाया था कि यहाँ पर ये बताया था स्कंद गुप्त अपने माध्यम से कि विष्णु के वामन अवतार की चर्चा है। वामन अवतार वही जो तीन पग के माध्यम से वो पूरा तीनों लोकों को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। तो ये क्या था? विष्णु का वामन अवतार है। उसके बाद देखते हैं गंगधर अभिलेख। ये गंगधर अभिलेख में विष्णु को यहाँ पर क्या लिखा गया? ये एक बार यूपी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगधर अभिलेख में जो किसने बनवाया था सबसे पहले? कुमारगुप्त। और यहाँ पर विष्णु को क्या बोला गया था? मधुसूदन कहा बोला गया। उसके बाद देखते हैं उदयगिरी अभिलेख, उदयगिरी का गुहा अभिलेख जो कि कहाँ पर है? विदिशा। और यहाँ पर विष्णु का वराह अवतार की चर्चा है। वराह अवतार मतलब ये किस अवतार की बात कर रहा है? जब हमारा पृथ्वी जो है जलमग्न हो चुका था पूरी तरह से, ऐसा कहा गया है कि जलमग्न होने के बाद जो है चूँकि पृथ्वी डूबने के कगार पे था, तो ऐसे में विष्णु का जो वराह अवतार जो वो अपने सिंह पर पृथ्वी को उठा लिए थे, ठीक है। ये इसमें कहानी कहा गया। उसके बाद अमरकोश एक किताब है जो किसने लिखा था? अमर सिंह के माध्यम से लिखा गया था। और ये चंद्रगुप्त सेकंड का नवरत्न था, यानी कि एक बहुत बड़ा कवि था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। और ये इस अभिलेख में जो उदयगिरी का जो गुहा अभिलेख है उसमें विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख है, सोचो। तो ये जो हमारा था लगभग क्या था? अभी थोड़ा सा और भी बाकी है, उसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं और भी कुछ, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि आखिर उस समय जो है शैव धर्म के बारे में हमारे पास क्या सूचना मिलता है। क्योंकि गुप्त काल के समय में हमने जो पढ़ा क्या देखा कि ज़्यादातर लोग शैव धर्म को मानते थे,
तो शैव धर्म से रिलेटेड जो बातें देखता है, सबसे पहले देखते हैं कि कुमार गुप्त का जो सिक्का था, जो उन्होंने जो सिक्का जो जारी किया था वो किस चीज़ का था? मयूर सिक्का, जिसमें कि कार्तिक जी जो है मयूर पे आसन किए हुए जो विराजमान दिखाई देते हैं। और उसके बाद जो स्कंदगुप्त के माध्यम से जो सिक्का जारी किया गया था वो किस चीज़ का था? मतलब बैल नंदी का, शिव का जो जो सवारी है उसका यहाँ पर दिखता है यहाँ पर प्रतीक। उसके अलावा जो पहले हम बताए थे चतुर्मुखी शिवलिंग का, जो शिव के जो चार मुख के वाले जो 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 मूर्ति है उसके बारे में बताया था फैजाबाद में पता चला है, और एक मुखी शिवलिंग के बारे में कहा था खो नागौर में। अब देखो ये तमाम सारी बातों से हमें क्या पता चलता है कि शिव के बारे में, शिव के लोग वहाँ पे मतलब शिव के भक्त को, मतलब शिव के भक्त बहुत सारे थे, शिव के दर्शन को लोग मानते थे, लोग शिव की पूजा आराधना बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे थे। और आगे हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ शिव को ही लोग मानते हैं, मतलब शिव के अलावा लोग जैन बौद्ध को भी लोग फॉलो कर रहे हैं उस जगह पे। गुप्त काल में शिव को क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई थी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि इससे पहले शिव को कभी भी अर्धनारीश्वर के रूप में नहीं दर्शाया गया था। ये पता है अर्धनारीश्वर की जो बात है ये अपने आप में बहुत ही अनोखी बात है। आप किसी भी गॉड को आप देख लो, वहाँ पर कहते हैं ना कि किसी भी नारी को, नारी को 50% अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है? आधा स्त्री आधा पुरुष। तो शिव पहले ऐसे गॉड हैं जो स्त्री को बराबरी का सम्मान देते हैं, मतलब जस्ट लाइक अगर आप बात कहो तो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। तो शिव का जो वैल्यू है इस वजह से भी बढ़ जाता है कि पहले ऐसे गॉड हैं जो कि जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। पार्वती को वो अपने 50% यानी अर्धांगिनी की बात करते हैं। इस मामले में अगर देखा जाए तो शिव की जो ये जो पर्सपेक्टिव है ये बाकी सारे भगवानों से अलग है। शिव की ये बात सबसे खास लगती है। तो यहाँ पर किस चीज़ का कंसेप्ट आया? अर्धनारीश्वर। तो गुप्त काल में ही सबसे पहली बार अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट आया था। लोग अर्धनारीश्वर मतलब शिव को मतलब आधा स्त्री और आधा पुरुष के रूप में लोग मतलब कि लोग जानने लगे, मतलब पार्वती और शिव का कॉम्बो। उसके बाद देखो त्रिमूर्ति की अवधारणा, जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जो हम लोग टीवी रामायण सॉरी सीरियल वगैरह जो देखते हैं उसमें जो शिव के बारे में जो दिखाया जाता है, क्या दिखाया? ब्रह्मा विष्णु और महेश जो त्रिमूर्ति है, तो तीनों को भाई के रूप में दर्शाया गया है, तो लोग तब से ही जान रहे इस चीज़ को। उसके बाद जो शैव संप्रदाय का ही, जो शैव संप्रदाय का एक और संप्रदाय है जिसको क्या बोलते हैं? पाशुपत संप्रदाय, जो शिव को ही फॉलो करते थे। तो पाशुपत संप्रदाय कब आया? गुप्त काल में ही आया था। उसके अलावा जो है त्रिमूर्ति की अवधारणा कब आया? ये भी गुप्त काल में आया। और जो अर्धनारीश्वर का जो कंसेप्ट है ये भी कब आया हमारा? ये भी गुप्त काल में आता है। ये तो हमारा शैव धर्म से रिलेटेड जो जानकारी थी गुप्त काल के बारे में वो हम लोग पढ़े। अब जरा सा देख लेते हैं कि बौद्ध स्तूप के बारे में, कि बौद्ध धर्म से संबंधित हमारे पास क्या क्या सूचना है, मतलब आखिर मतलब बौद्ध मतलब कि गुप्त काल के समय में लोग बौद्ध धर्म को भी फॉलो कर रहे थे, ये कैसे पता? सबसे पहले तो सारनाथ का जो घमेक स्तूप है, सारनाथ का जो घमेक स्तूप है वो बहुत ज़्यादा फेमस उस समय जो बनवाया गया था। तो सारनाथ वही जगह है जहाँ पर बुद्ध का सबसे प्रथम उपदेश दिया गया था, वहीं पर जो है उसको घमेक स्तूप जो वो बनाया गया था, घमेक स्तूप। उसके बाद देखते हैं ये जो स्तूप है इसकी खास बात क्या है। ये स्तूप जो ईंट का बना हुआ है, इसका आकार कैसा है? वर्गाकार ना होकर के कैसा है? गोलाकार है। इससे पहले जितना भी बौद्ध के स्तूप बनाए जाते थे वो आमतौर पर गोलाकार साइज के होते थे, जबकि ये स्तूप के हम क्या देख रहे हैं? ये स्तूप हमारा कैसा है? सॉरी, वर्गाकार पहले होता था, अब इसमें क्या दिखाया गया? ये गोलाकार है और इसमें अन्य स्तूपों के समान चबूतरा नहीं है, जिनकी पहले जो स्तूप बनाया जाता था वो चबूतरे के माध्यम से बनाया जाता था। पहले चारों तरफ से ऐसे चबूतरा होता था और चबूतरा के बाद ऊपर से स्तूप बनाया जाता था, जबकि इसमें क्या है? चबूतरा है ही नहीं, बल्कि इसका स्तूप का आकार भी कैसा है? ना वर्गाकार ना होकर कैसा है? गोलाकार है। उसके बाद देखते हैं कुछ गुहा मंदिर। अब ये गुहा मंदिर जो है ये क्या है? दरअसल ये एक प्रकार का गुफा मंदिर है, यानी कि गुप्त काल के दौरान ऐसे कई सारे गुफा मंदिर भी बनाए, यानी कि गुफाओं में मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जिसमें से ब्राह्मण गुहा मंदिर है और दूसरा कौन है? बौद्ध गुहा मंदिर है। जरा पहले देख लेते हैं ब्राह्मण गुहा मंदिर, आखिर वो बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम में जो वीरसेन नामक व्यक्ति था उन्होंने गुफा में ब्राह्मण गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मंदिर जो है इसका एक उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो वो क्या है? उदयगिरी का जो मंदिर है, तो उदयगिरी का जो मंदिर वो क्या है? जैसे कि उदयगिरी, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल ये है कि विष्णु के वराह मंदिर, विष्णु का जो वराह अवतार जो बताए थे हम, तो जो वो पृथ्वी को जो अपने मतलब पृथ्वी को बचाने के लिए जो अपने सिंह पर जो उठा लेते हैं, तो वो विष्णु का जो वराह मंदिर, जो उदयगिरी का जो मंदिर जिसको कहते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है? गुहा मंदिर ही तो है ना। तो ये बनवाया किसने था? ये वीरसेन ने बनवाया था। उसके बाद देखते हैं बौद्ध गुहा मंदिर। इस प्रकार से मतलब गुप्त काल के लगभग 29 गुफा मंदिर के बारे में पता चला है हमको, जिसमें से कि अजंता का गुहा मंदिर है,
जो कि ध्यान देना अजंता का गुहा मंदिर, उसको एलोरा के साथ उसको अटैच करके नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एलोरा का मामला अलग है, ये सिर्फ क्या है अजंता का गुहा मंदिर जो कहाँ पर है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और यहाँ से जो हमारे एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट, वैसे तो 29 है लेकिन ये तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक 16 नंबर वाला गुहा मंदिर, 17 नंबर वाला और 19 वाला। हम लोग को जानकारी 16 और 19 के बारे में ज़्यादातर है, तो 16 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि इस गुहा मंदिर में जो मरणासन्न राजकुमारी अजातशत्रु और बुद्ध की भेंट, मतलब इसमें जो है एक राजकुमारी होती है जो कि बिल्कुल मरणासन्न अवस्थी में होती है, ठीक है, तो वहाँ पर और अजातशत्रु और बुद्ध का जो भेंट का जो है वो चर्चा मिलता है। मतलब एक मरणासन्न राजकुमारी का भी चर्चा दिया हुआ है जो कि लगभग मृत अवस्था में वो लगभग पड़ी हुई थी, और अजातशत्रु और बुद्ध का जो भेंट हुआ था, अजातशत्रु और बुद्ध के बीच जो है क्या सब बातें होती है इसके बारे में यहाँ पर चर्चा दिया हुआ है। उसके अलावा देखते हैं कि बुद्ध की जातक कथा का वर्णन किसमें दिया हुआ है, 19वां। जातक कथा का मतलब होता है कि बुद्ध के बारे में जो पूर्व जन्म की जो कहानियाँ होती है, पुरानी कथा, जो एक तरह से फेमस कथा जिसको कहते हैं, जैसे हम लोग सिकचलिया वाला जैसे कहानी कहते हैं, है ना, ऐसे अलिफ लैला का जो कहानी होता है वो सब क्या है, जातक कथा है। एक ऐसी कह सकते हो एक तरह से मनगढ़ंत कथाएं भी बहुत सारी बातें जो है जो बुद्ध के बारे में वैसी सारी बातें में लिखी गई जो कि एग्जैक्टली वो सच नहीं था, लेकिन मतलब जातक कथा का मतलब तो वही होता है कि वैसी कथा जो आमतौर पर सभी लोग जो है जानते हैं, तो जातक कथा। हालांकि यहाँ पर कुछ कुछ कथाएं जो जो बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी सच तो था लेकिन कुछ जानकारी बढ़ा चढ़ा कर लोग पेश किए थे, तो वो क्या था एक तरह से बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, या फिर कह सकते हो बुद्ध के बारे में जो जो भी फेमस कथाएं हैं, ठीक है। उसके अलावा बौद्ध गुहा मंदिर के अलावा एक चीज़ और देखते हैं, बाघ का गुहा मंदिर। ये क्या है, बाघ का गुहा मंदिर। अब ये बाघ का गुहा मंदिर क्या है, ये दरअसल कहाँ पर है, धार जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहीं पर है। और दरअसल इस बाघ का गुहा मंदिर में किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है, लौकिक जीवन, मतलब इस दुनिया की लाइफ के बारे में बता रहा है वो, किसी पारलौकिक देव शक्ति परमात्मा इन सारी चीज़ों के बारे में कोई भी सूचना नहीं दे रहा है यहाँ पर, केवल किसके बारे में बता रहा है, इस दुनिया के बारे में, कि आम लोगों की जीवन कहानी को इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। तो पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम फिर बुद्ध के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, पॉज करते हैं पहले इसको। चलिए अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म का उसमें प्रमुख केंद्र कौन कौन सा जगह था। कश्मीर था, उस समय जो कश्मीर का एरिया था वो बौद्धों का बहुत बड़ा केंद्र स्थल था। कश्मीर के अलावा अफगानिस्तान था, पंजाब, बोधगया तो था ही, वाराणसी तो था ही क्योंकि यहाँ पर जो है प्रथम बौद्ध जो यहीं पर प्रवचन दिया गया था, वाराणसी तो पहले से था, बोधगया तो था ही, मथुरा भी था। उसके अलावा मथुरा वही क्षेत्र जहाँ पर की मूर्ति वगैरह बौद्ध का बहुत सारा मिला है। उसके अलावा पाटलिपुत्र, ये सारे जो है बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र था वो बिल्कुल समृद्ध अवस्था में था, मतलब काफ़ी अच्छा अवस्था में था। यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारा संरक्षण वगैरह बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता था गुप्त काल के समय में, जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर कि समृद्ध अवस्था में नहीं थे, जैसे कि वैशाली, कौशाम्बी और श्रावस्ती। एक समय यहाँ पर काफ़ी समृद्ध अवस्था में था लेकिन गुप्त काल में इसकी स्थिति जाकर के काफ़ी थोड़ा खराब हो चुका था, जबकि ये सारे जगह में बौद्ध धर्म का क्या था स्थल, मतलब बौद्ध धर्म की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उसके अलावा थोड़ा जैन धर्म की क्या हाल थी जरा वो भी देख लेते हैं। जैन धर्म में गुप्त राजा कादम एवं गंग उन्होंने आश्रय दिया था, ये गुप्त काल के शासक थे जो राजा कादम और जो गंग जो है, इन्होंने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म का जो समर्थक जो है उस समय कौन था, कादम और गंग, इन्होंने आश्रय दिया था किसको, जैन धर्म को। एक मुनि सर्वनंदिनी नंदी हैं जो कि एक किताब लिखे थे उस समय जैन धर्म के बारे में लिखे थे, उस किताब का नाम क्या था, लोक विभंग, क्या नाम है, लोक विभंग है। तो लोक विभंग जो है ये किताब जो है ये किन्होंने लिखा था, मुनि सर्वनंदी। उसके अलावा आचार्य सिद्धसेन जो है उन्होंने कौन सा किताब लिखा था, न्यायवार्ता। ध्यान देना ये सारा जो दोनों किताब है, न्यायवार्ता हो या फिर लोक विभंग जो है वो किनके बारे में था, जैन धर्म के बारे में था। देखो ये इतना डिटेल में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी के जो एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है वो कभी कभी इतना अंदर जाके पूछ लेता है कि आप शौक हो जाओगे यार ये कहाँ से पूछ लिया। इसलिए हम क्या करते हैं इस चीज़ को पहले ध्यान रखते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके डिटेलिंग हमको मिल सके। अब देखिए जैनों के बारे में एक अभिलेख था जो उदयगिरी का अभिलेख, तो हम लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो उस अभिलेख में किस चीज़ की जानकारी मिलती है कि जैन धर्म का जो श्वेतांबर और दिगंबर जो अलग हुआ था, तो श्वेतांबर का कौन सा क्षेत्र था जहाँ पर श्वेतांबर को फॉलो करने वाले लोग थे, तो मथुरा और बल्लभी का जो क्षेत्र था वहाँ पर जैन धर्म के श्वेतांबर को फॉलो करते थे, जबकि जो दिगंबर के जो फॉलोअर्स थे वो कहाँ पर थे, बंगाल के पुडबर्मन, यानी कि दिगंबर को फॉलो करने अक्सर बंगाल के साइड में लोग थे उस समय। अब जरा सा देखें कि गुप्त